भारत में भ्रष्टाचार ठीक वैसे ही अपनी जड़ें जमा चुका है जैसे कि चीन का कोरोना वायरस वैश्विक गलियों में जड़ें जमाए मानवता को ललकार रहा है। सरकार की योजनाओं को जनता तक वैसे का वैसा ही न पहुंचने का एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। गाजियाबाद के मुरादनगर में भी एक ऐसा ही बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है जहाँ पर लोगों ने हंगामा किया, तब जाकर अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि अब तो निरीक्षण कर ही लेना चाहिए। नगरपालिका परिषद मुरादनगर ने नाले का निर्माण करवाने का ठेका दिया। निर्माण कार्य शुरू हो गया लेकिन हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब निर्माण में मानकों के खिलाफ घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगा। स्थानीय जनता ने हंगामा खड़ा कर दिया। सामग्री जो है घटिया इस्तेमाल की जा रही है, मसाला जो है बहुत हल्का बनाया जा रहा है, आप देख लीजिएगा, सारे सीमेंट को देख लीजिएगा, उंगली लगाइएगा उतर जाएगा। एक ही साइड से प्लास्टर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बाहर साइड से बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप अभी देख लीजिए, कवरेज कर लीजिएगा, अंदर अंदर प्लास्टर कर रहे हैं बहुत हल्का, बाहर साइड से कोई प्लास्टर ये नहीं कर रहे। तो ठेकेदार की जो है इसके अंदर धांधली है, अब पता नहीं किसकी मिली भगत से है, ये तो यही जवाब देंगे। पर बाकी नाले का निर्माण जो जिस तरीके से होना चाहिए, जिस मानक पर होना चाहिए, उसका नहीं हो पा रहा। मौके पर ई रेडियो इंडिया संवाददाता वहां पहुंचे और लोगों ने बताया कि जिस दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें ईंटों की क्वालिटी से लेकर अन्य सामग्रियों तक में लंबा चौड़ा झोल किया जा रहा है। एक शख्स ने यहां तक कह दिया कि कैमरे के सामने बन चुकी दीवार को थोड़ी ही दूरी तक उखाड़ कर अगर देख लें तो पूरा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। 4 इंची का, इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, अगर किसी को शक है तो ये दीवार उखाड़िएगा, ये दीवार आप देखिएगा अपने कैमरे के जरिए, सारी लंबी ईंटें लगी हुई है, 4 इंची की अलग दिखाई दे रही है। अगर ये 4 इंची से 9 इंची भी अगर हो तो मैं मुरादनगर रहना छोड़ दूंगा। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान से रेडियो इंडिया ने उनका पक्ष जानना चाहा। शिकायत आई है इस कार्य की कि कार्य अच्छा नहीं हो रहा। दूसरी ये आई है कि कुछ लोग इसको राजनीतिवश इस कार्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही मामलों की जांच करते हुए जो भी मैटर में सबसे उचित होगा वो किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि ईदगाह का ये नाला बहुत बड़ा नाला पुरानी जन समस्या है जिसका कवर कराया जाना, जिसको बनाया जाना अति आवश्यक था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दो पक्षों में ये बात सामने आ रही है, आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य में जो मटेरियल लग रहा है वो सही नहीं लग रहा है, वो खराब लग रहा है। हालांकि नगरपालिका परिषद की इस घोर लापरवाही के पीछे किसका हाथ है या ठीक से अभी तक कह पाना बेहद असंभव बात है, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाली भाजपा सरकार को चुनौती देता या भ्रष्टाचार अधिकारियों के बेलगाम रवैये का एक बड़ा नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, गाजियाबाद।